क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रूस का रास्ता पापियों का मन फिराव के लिए धर्म में ढिलाई करने वालों को उत्साहित करने और भले लोगों को पवित्र करने का बड़ा लाभदायक उपाय है। क्रूस के रास्ते के समय हम मन ही मन यीशु के साथ कलवारी पहाड़ की शोकमयी यात्रा करते हैं। चलते चलते और देखते देखते हम अपने हृदय में प्रेम और धन्यवाद की भावना उत्पन्न करें। इसीलिए शुरू करने से पहले हम सारे हृदय से पश्चाताप की विनती बोले, इस बात का भी विचार करें कि किसके लिए दंड मोचन कमाना चाहते हैं, अपने लिए या शोधाग्नि की आत्माओं के लिए। पछतावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरा सिंह बुलाया और बड़ा ही अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, इसलिए कि तू है मेरे ईश्वर जो मेरे पूरे प्रेम कितना योग्य है, मेरे पापों से नाराज जाता है और मैं अंदर करता हूँ कि तेरे भक्त के पास से तेरा अपराध कभी नहीं करूँगा और पाप के जो की मौत से दूर रहूंगा। क्रूस का रास्ता और COVID-19। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संकटों में हमारी शरण और बीमारी में हमारे बल, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे रक्षा कर कि हम वर्तमान वेदनाओं से न्यायपूर्वक दंडित होकर तेरी प्रेममयी दया से आराम पा सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं, आमेन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा, आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आव और हमारी मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी आज है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे, आमीन। क्रूस के पास माता रोती, सबसे व्याकुल होती, क्रूस पर यीशु को देखे। पहला स्थान, यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। पहला स्थान,
प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हम इस बात से निश्चित हैं कि एक दिन हमारी मृत्यु होगी। हमें कृपा दे कि मृत्यु की सच्चाई को मन में रखते हुए हम मरने दम तक प्रत्येक दिन को मूल्यवान एवं अघटित समझें और उसमें दिए गए तेरे वरदानों एवं कृपाओं के साथ जिएं। अच्छा जीवन जीने के लिए हमें सहायता दे। कृपया हम सबों को भले मरण की कृपा प्रदान कर, विशेषकर उन लोगों को जो COVID-19 से पीड़ित हैं और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। उसका ही है थका रहता, शोक के मारे वह हर मरता, क्रूर तलवार से चीर जाके। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्या कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु भारी क्रूस कंधायु पे लादा, बेटा प्रभु यीशु भारी क्रूस कंधायु पे लादा, हरे हमार पाप लागिन भारी क्रूस लादा, हरे हमार पाप लागे भारी क्रूस लादा। दूसरा स्थान, प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तू क्रूस के भारी बोझ के साथ साथ हमारे वे बोझ भी जिससे हम दबे हैं तेरे ऊपर लेता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि COVID-19 रूपी हमारी सामूहिक क्रूस को लेकर हम आगे बढ़ें। हमें कृपा दे कि हम अपराजित खुशी एवं आनंद के साथ दूसरों को उनके जीवन के दुखों एवं संकटों को झेलने में सहायता दे सकें। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें ईश्वर ने सामूहिक भलाई करने का काम सौंपा है, जैसे कलिसिया एवं राज के नेतागण जो इस महामारी के समय सभी लोगों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। कैसी शोक वो बेचारी, कैसी दुखी इसे लौके की जानी। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं।
हम तेरी आराधना करते हैं ख्रिस्त और तुझे धन्या कहते हैं, क्योंकि तूने अपने बलिदान क्रूस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। देखा वो क्या क्रूस से प्रभु यीशु गिरा, देखा वो प्रभु यीशु गिरा, हमारे पाप के बोझ से क्रूस नीचे गिरा, हमारे पाप के बोझ से क्रूस नीचे गिरा। तीसरा स्थान प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, जब हम गिर जाते हैं और हताश हो जाते हैं, तब हमें यह समझने की कृपा दे कि उस समय तू विशेष रूप से हमारी लज्जा को सहने और अपने पैरों में फिर खड़ा होने कर आगे चलने हेतु बल प्रदान करने के लिए हमारे साथ रहता है। हमारे हृदयों में उन लोगों के प्रति दया का भाव उत्पन्न कर जो इस क्रूस की बोझ से दबे हुए हैं, विशेषकर उन देशों के प्रति हमारे हृदयों में सहानुभूति प्रदान कर जो कोविड-19 महामारी के प्रकोप में हैं और वहां लोग हजारों की संख्या में मर रहे हैं। हे प्रभु, वे असहाय हो गए हैं, वे नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सहायता दे। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे, आमीन। कैसा दुख पीड़ा पापी प्रेमी माति पाती जाती उत्पन्न दे पाप की करनी। चौथा स्थान यीशु और उसकी शोकित माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं ख्रिस्त और तुझे धन्या कहते हैं, क्योंकि तूने अपने बलिदान क्रूस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु मरियम के पावा कुरुषारे, प्रभु यीशु मरियम के पावा। अरे हमार पाप लागिन दुयो ससर पावा, अरे हमार पाप लागिन दुयो ससर पावा। चौथा स्थान प्रार्थना। संसार के सभी दुख कष्ट ईश्वर से गले लग जाते हैं जब क्रूस के रास्ते पर यीशु और उसकी माँ की भेंट होती है। यहाँ यीशु उन बच्चों के लिए हैं जो असहाय ही खो जाते हैं। मरियम उन अभिभावकों के लिए हैं जो अपने बच्चों के लिए दुख भोग रहे हैं। हे प्रभु यीशु, उन लोगों के साथ रहने की कृपा कर जो अपने प्रिय जनों को खो देते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं, विशेषकर उन परिवारों और उनके प्रिय जनों के नजदीक रहने की कृपा कर जो कोविड-19 से पीड़ित हैं और इन संक्रामक बीमारी की फैलने के डर से वे एक दूसरे के पास भी नहीं आ सकते हैं।
हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। कौन है निडर जो ना रोता, क्रिस्ट की माता पास जब होता, देखकर उसको संकरने। पांचवा स्थान, सिरिनी सीमोन क्रूस धोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्ट और तुझे धन्या कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस बहुत लगी सिरिनी सीमोन माता देवाकार, प्रभु यीशु थाके गेलै चले मदद देवाकार, प्रभु यीशु थाके गेलै कलवरी दहारे। पांचवा स्थान प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, जरूरतमंद में मैं दूसरों से सहायता लेने के लिए लज्जा ना करूंगा और जरूरतमंद लोगों को मदद करने में उत्सुक रहूंगा। हमारा आपसी सहयोग हमारे लिए आनंद का स्रोत और कृपा का अवसर बन जाए और हम प्यार भरा समुदाय के रूप में संयुक्त रहें। हम सरकार के नेताओं, स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुरोहितों, फौज के अधिकारियों और प्रथम प्रत्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें इस घड़ी विशेष कृपा की आवश्यकता है। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। कौन है जो ना डूबे के साथ में। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्ट और तुझे धन्या कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। देखा वेरोनिका प्रभु के एक रोमन देवाकार, देखा वेरोनिका प्रभु के एक रोमन देवाकार, तो पसीना से भरल मुके पोछाता, छठवां स्थान प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी करुणा भरी दृष्टि से देख पाऊं और तेरे चमक से मुस्करा सकूं ताकि तेरी
कभी असफल नहीं होने वाली कोमलता मुझ में शरीर धारण कर सके। मैं सदा उनके प्रति सजग रहूं जो अपने में तुच्छ और तिरस्कृत अनुभव करते हैं। मैं उन्हें यह पहचानने में मदद दे सकूं कि वे भी आपके भाई बहन हैं और आपकी गरिमा के सहभागी हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस महामारी के समय COVID-19 से ग्रस्त लोगों की सेवा कर रहे हैं। सरकार के लोग, एनजीओ कर्मचारी, पेशावर लोग, भोजन एवं अन्य सुविधा पहुंचाने वाले कर्मचारी, सेवा संचार के लोग, कलिसिया के कार्य सेवक सेविकाएं और अन्य सभी स्वयं सेवक सेविकाएं जो इस घड़ी बीमारियों की सेवा कर रहे हैं, गरीब और जरूरतमंद की सहायता कर रहे हैं। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। क्रिस्त के तन पर नावे की माना पाप के क्रोध के जीतने माने आपको देख लिए। सातवां स्थान। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं ख्रिस्त और तुझे धनिया कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। बेकार प्रभु यीशु क्रूस नीचे बेहोश गिरा था। बेकार प्रभु यीशु क्रूस नीचे बेहोश गिरा था। अरे हमारे पाप लागे प्रभु भी पछता था। अरे हमारे पाप लागे प्रभु भी पछता था। सातवां स्थान। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, अनेकानेक बार गिरने पर भी मुझे पवित्रता एवं आनंद के लिए हताश ना होने दे। अगर तू मेरे साथ है तो मैं पाप में गिरने की आवृत्ति से फंसा नहीं रहूंगा। तेरी कृपा मेरे वंजर हृदय में उदित होता रहे। हमें आज ही नई शुरुआत करने की इच्छा प्रदान कर। अपने लोगों को सहायता दे कि वे अपने शारीरिक पीड़ा से ऊपर उठकर आत्मिक ऊर्जा को देख सके जो उनके बीच कार्यशील है। समय पर उन लोगों की सहायता कर जो COVID-19 के कारण ईश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखने का संघर्ष कर रहे हैं। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। सासे त्यागा मूर्ति दाता गुरु ज्ञान के लिए। आठवां स्थान। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती है।
हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्ट और तुझे धनिया कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रॉस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। के जनाना प्रभु प्रेकांदा अपने छावा पुताला दिन कांदा प्रभु कहा, अपने छावा पुताला दिन कांदा प्रभु कहा। आठवां स्थान प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, उन लोगों के नजदीक रहने की कृपा कर जो कलीसिया के संस्कारों को ग्रहण नहीं कर सकने के कारण दुखित हैं। मुसीबत की इस परिस्थिति में हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव करने की कृपा कर कि हम सच्चा पछतावा कर सके जो हमारे बड़े से बड़े पापों से क्षमा दिला सकता है। हम ना केवल कोविड-19 के लिए रोएं, जो दुनिया के कोने कोने में बड़ी तीव्रता के साथ फैल रहा है, लेकिन अपने पापों की गंभीरता के लिए भी रोएं, जो हमें तुझसे और एक दूसरे से अलग कर रहा है। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। प्रेमी मातु प्रेम का सोता, सीखा दुख कैसा होता। ओ नवा स्थान। यीशु तीसरी बार कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धनिया कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रॉस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। नीचे प्रभु यीशु गिरा था, पहाड़ों पर क्रूस नीचे प्रभु यीशु गिरा था, हमारे बेटा पाप लागे प्रभु यीशु गिरा था, हमारे बेटा पाप लागे प्रभु यीशु गिरा था। नमस्थान प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तू बड़ी कोमलता के साथ हमारी परवाह करता है जो गिरे हुए हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमने तेरे प्रेम और पड़ोसी के प्रेम के प्रति गंभीर पाप किए हैं। हमारे पापों को क्षमा कर, विशेषकर इस महामारी के समय जब हमने लालची बनकर दूसरों की आवश्यकताओं की अनदेखी की है। हमें क्षमा कर कि हमने हमारी सरकार एवं कलीसिया के निर्णयों का जो आम भलाई के लिए लिया गया था पालन नहीं किया है। हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर और इस महामारी की महाविपत्ति से हमें बचा। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। यीशु
प्रेम का दान दे तेरे दिल में जैसा दसवां स्थान यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्या कहते हैं क्योंकि तूने अपने भक्त क्रॉस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु कर गोटा गाकर नंगा काय देवा प्रभु यीशु कर गोटा हरे हमर लाजा पापे सजा प्रभु उठाता हरे हमर लाजा पापे सजा प्रभु उठाता। दसवां स्थान प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तेरे कपड़े तुझसे खींच लिए गए। तू ईश्वर जो खेत के फूलों को सुलेमान के ठाठ बाट से भी अधिक सुंदर बना सकता है और बेघर को घर दे सकता है, अभी शर्म एवं लज्जा से लदा हुआ सबके सामने नंगा पड़ा है। इस समय तूने अपने जीवन काल के अन्य अवसरों की तरह गरीबी और अपमान का अनुभव किया। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और इस महामारी के कारण कामों के अभाव में वे अपने परिवारों के लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। माता यीशु के घाव प्यारे मेरे मुक्ति के दाम सारे आगे कर ले। ग्यारहवां स्थान यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्या कहते हैं क्योंकि तूने अपने भक्त क्रॉस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस पर यीशु के नंगा गाकर हरे हमर पाप लागिन हाथे पावे ठोकाता हरे हमर पाप लागिन हाथे पावे ठोकाता। ग्यारहवां स्थान प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तेरा जीवन अनेक प्रतिज्ञाओं से भरा पूरा दिख रहा था, लेकिन अब क्रूस के अपमान से अंत होने दिख रहा है। उन्हें आलिंगन कर जो पूर्ण रूप से असफल होते नजर आते हैं, और जिस प्रकार तू हमारे इस अंधकारमय बेला में हमारे घनिष्ठ है, हमें तेरे पुनरुत्थान की दमक में सम्मिलित होने दे। उनके नजदीक रहने की कृपा कर जो कोविड-19 की आशंका में सामाजिक दूरी पर हैं और जिनका जांच चल रहा है,
उन्हें भी ना भूल जो अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, जैसे बुढ़ापा से लाचार, दुर्बल और असंक्रामक से पीड़ित आदि। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। जो कुछ पुत्ने दुख उठाया, तूने दुख में दुख मिलाया, सब कर ले तेरे दुख में। बारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर मरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्या कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। देखा भाई बहन कुछ गाते प्रभु जीव देवा, प्रभु जीव देवा। हरे हमर पाप लागिन प्रभु बलि होवाता, हरे हमर पाप लागिन प्रभु बलि होवाता। बारहवां स्थान, प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तू आज और विशेष कर हमारे मृत्यु की घड़ी हमारे साथ रहने की कृपा कर। हमें कृपा दे कि हम मृत्यु की तैयारी में पवित्र एवं योग्य जीवन व्यतीत करें। मरण के पहले हमें हमारे पापों की क्षति पूर्ति करने का प्रेरणा प्रदान कर, ताकि हम अंतिम न्याय के लिए तैयार हो पाएं। जो कभी मर रहे हैं, जो अभी मर रहे हैं या मरने पर हैं, उनके साथ रहने की कृपा कर। जो कोविड-19 के कारण मर चुके हैं, विशेषकर हमारे देशवासियों को अनंत शांति प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। तेरे सामने तेरहवां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्या कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। जोसेफ निकोदिमुस प्रभु के मोरल वादन युक्त राधाय, जोसेफ निकोदिमुस प्रभु के मोरल वादन युक्त राधाय, दुखी आयो मारियम के कोरायो प्रेरखाय, दुखी आयो मारियम के कोरायो प्रेरखाय। तेरहवां स्थान, प्रार्थना।
हे प्रभु यीशु, अभी तू क्रूस पर से उतारे जाकर उनके हाथों पर रख दिए गए हैं जो तुझे प्यार करते थे और अंत तक तुम्हारे साथ ठहरे। उनके संग रहने की कृपा कर जो कोविड-19 के कारण मरे और प्रिय जनों के लिए शोक मना रहे हैं। हमें यह अनुभव करने की कृपा दे कि हमारा जीवन मृत्यु से अंत नहीं हो जाता, लेकिन अनंत जीवन हमारी प्रतीक्षा करता है, जहां तू हमारा सब आंसू पोंछ देगा और सभी प्रकार के दुख कष्ट हमसे दूर कर देगा। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। क्रूस के नीचे घोर संताप में तेरा साथ देना भी लाभ है। मेरी प्रबल सारे 14वां स्थान यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं ख्रिस्त और तुझे धनिया कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस और मरण के द्वारा दुनिया को बचाया। नावा काबुल में तो पीने लगा मोरल बादन प्रभु स्थान प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, अब तू कब्र में रख दिया गया है, हमें तेरे प्यार में रख कि हम अंधकारमय भविष्य में भी पूर्ण भरोसे के साथ तेरे पिता ईश्वर के प्रेम में सुरक्षित बस पाए। कोरोना वायरस की महामारी से फैला हुआ डर, भय, आशंका एवं निराशा के बीच जीवन यापन करते हुए भी हम में से हर एक जन तुझसे आशा और सांत्वना पा सके। हमें कृपा प्रदान कर कि हम इस संकट से छुटकारा पाकर इससे ऊपर उठ सकें, जिस प्रकार अपने पुनरुत्थान के द्वारा तूने मृत्यु को हरा दिया है। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से चैन में रहे। आमीन। Me.